हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जब से आपका राजस्थान पटवारी एग्जाम 2021 आपका कंप्लीट हुआ है और उसकी आपकी आंसर की जारी हुई थी, आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी हो गया था, और जिस दिन से आपका रिजल्ट जारी किया गया है उसी दिन से आपकी जो पटवारी परीक्षा का जो परिणाम है वो विवादों के अंदर लगातार यहाँ पर रहा है। ठीक है, कभी इसके अंदर चिटिंग के मामले सामने आते हैं तो कभी इसके अंदर जो आपका यहाँ पर हुआ था आपका नोलाइशन उसके अंदर यहाँ पर घपले होने के मामले सामने आते हैं। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है और इसको देखो, यहाँ पर जब मैंने इस पर वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो है थोड़े से नेगेटिव कमेंट भी कर रहे थे और कुछ स्टूडेंट यहाँ पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी आया था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो भी न्यूज़ आती है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, चाहे वो न्यूज़ नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, ऐसे भी होते हैं जिनका नहीं होता है, या ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे पटवारी में, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम को चाहते हैं कि वो दोबारा हो या फिर रिजल्ट दोबारा जारी हो, कुछ चाहते हैं कि नहीं हो। तो देखिए, मैं किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ, है ना, मैं किसी भी विद्यार्थी के पक्ष में नहीं हूँ। जो भी यहाँ पर आपकी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी वो मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको याद होगा तो मैंने जब आपके बोला था कि पटवारी में जो आपके यहाँ पर पद बढ़ेंगे आपके, ठीक है, तब बहुत सारे स्टूडेंट ने नेगेटिव कमेंट किए थे, सर आप तो फेक न्यूज़ देते हैं, आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके मुश्किल से 15 दिन बाद ही आपके पास में ऑफिशियल नोटिस आ गया था और आपसे बोल दिया गया था कि आपके जो पद है वो बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और मेरे पास जो अपडेट होती है वो सारी बिल्कुल ऑथेंटिक होती है और बिल्कुल जेन्युइन होती है, तो आप लोग इस चैनल पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके पास में क्या अपडेट आई है और आज की क्या न्यूज़ है पटवारी की रिगार्डिंग, यहाँ पर जो आपके कोर्ट है उसने क्या फटकार लगाई है और क्या इन्होंने जवाब मांगा है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस का आपको लाभ उठाना है तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, फिर आप लोग यहाँ पर अपना मैनेज गोल करेंगे RPSC, और उसके बाद में आप लोग मेरा नाम सर्च कर पाएंगे, सुनील कुमार बैरवा के नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, आप लोग उसको फॉलो कर लेना। और अगर आपसे कोई कोड मांगता है, ठीक है, आपको फर्स्ट क्लास लेते हैं तो आपको एक कोड आपको लगाना पड़ेगा और वो कोड आपका धवन 123। ठीक है, ये कोड आपको बताता हूँ, आपको धवन 123 आपको यहाँ पर जो कोड है वो लगाना पड़ेगा। साथ में आप लोग देखिए, आपकी हर संडे को आपके यहाँ पर एक स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट होता है, आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। अगर आपकी इसमें अच्छी रैंक आती है तो आपको यहाँ पर प्राइज़ जीतने का मौका भी आपको मिल जाता है आपको। ठीक है, साथ में देखिए आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्स में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आप लोग घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। अनलिमिटेड आपको यहाँ पर एक्सेस मिलता है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ने को मिलता है, पूरा कोर्स आपको कवरेज करवाया जाएगा, कंप्लीट एग्जाम की तैयारी होती है, रेगुलर डाउट सेशन होते हैं, लाइव टेस्ट होती है, नोट्स आपको PDF फॉर्मेट मिल जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग सेशन और गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलता रहता है। तो अनअकैडमी का प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ इस प्रकार से कोर्स दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर कोड लगाते हैं धवन 123, ये कोड आपको जरूर लगाना है, रेफरल कोड धवन 123, तो आपको यहाँ पर 10% आपको इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग आज ही फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी को, अनअकैडमी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो देखिए, राजस्थान पटवारी परीक्षा का परिणाम तो जारी हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी तक इन्होंने आपके जो मार्क्स थे वो ना तो शेयर किए हैं और ना ही अभी तक किसी को बताया कि ये कब तक आपके जारी करे जाएंगे। ठीक है, साथ में इसके अंदर 3 ऐसे क्वेश्चन थे जिन्होंने बोर्ड ने आपको गलत माना है। ठीक है, जबकि जो आपकी मतलब जितनी भी आपकी ऑथेंटिक बुक वगैरह होती हैं उनके अंदर उनको सही माना है और ये महाराज जी इनको गलत मान रहे हैं। ठीक है, तो वो 3 क्वेश्चन पर भी यहाँ पर आपका विवाद उठा हुआ है और बच्चों ने यहाँ पर इसी के खिलाफ यहाँ पर कोर्ट में केस भी कर दिया है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पर आपकी ऑथेंटिक न्यूज़ है। देखिए आप लोग एक बार देखिए, यहाँ पर जो भी आपको न्यूज़ दी जाएगी बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाएगी, आप लोग टेंशन ना करें। इसलिए जो विद्यार्थी मतलब हमसे जुड़ जो अभी तक जुड़े हैं, जो भी आपने अपनी न्यूज़ देखी होगी सारी की सारी आपको यहाँ पर कोई भी अब तक फेक न्यूज़ नहीं दिखी होगी आपको। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर जुड़े रहिए और देखिए यहाँ पर क्या न्यूज़ आई हुई है आपकी। पटवार भर्ती परिणाम में अनियमितता और विवादित प्रश्नों को लेकर के हाई कोर्ट ने मांगा है जवाब। ठीक है, देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने पटवार भर्ती 2000 में अनियमितता बरतने और उत्तर कुंजी में 3 प्रश्नों के गलत जांचने के मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं और उनके सचिव हैं, इनसे यहां पर जवाब मांगा है। ठीक है, जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने यह आदेश भी दिया है ओम प्रकाश की याचिका पर दिए। ठीक है, याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी इन्होंने अदालत को बताया है कि बोर्ड ने गत 24 अक्टूबर को पटवार भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी, वहीं 22 नवम्बर को देखिए वहीं 22 नवंबर को लिखित परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी यहाँ पर की थी इन्होंने। ठीक है, याचिका में कहा गया है कि प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बोर्ड ने सवालों के जवाब जांचे थे, लेकिन गत 25 जनवरी को जारी की गई अंतिम उत्तर कुंजी में 3 प्रश्नों के जो जवाब हैं वो बदल दिए गए।
यानी कि इन्होंने क्या कर दिए, उनके जो आंसर थे वो बदल दिए, भाई ये नहीं होगा ये होगा, जबकि ऑथेंटिक बुक के अंदर उन क्वेश्चनों को सही माना गया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा भी है कि कुंजी में 3 प्रश्नों के जवाब जो है वो गलत दिए गए, जबकि मान्यता प्राप्त जो पुस्तक है और दस्तावेज है इनके अनुसार बोर्ड की ओर से अंतिम उत्तर कुंजी में बताए गए 3 सवालों के जवाब यहाँ पर गलत थे। इसके अलावा परिणाम जारी करने में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 4 शिफ्ट थे उनके साथ में, मतलब उनके काफ़ी मार्क्स यहाँ पर कम किए गए, डिक्रीज किए गए। देखिए वही चयन बोर्ड ने तो अभ्यर्थियों के अंक बताए और ना ही किसी पारी के कितने अभ्यर्थी चयनित हुए इसकी जानकारी दी, न तो मतलब इन्होंने ये भी नहीं बताया कि कौन से शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स बढ़े हैं, उनके जो अभी नंबर मतलब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके नंबर कितने इंक्रीज हुए हैं और अभी आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने आपके नंबर कटे, ऐसा कुछ भी अभी तक यहाँ पर बोर्ड ने नहीं जारी किया है। मतलब सब कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे, अब क्या चल रहा है ये हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। ठीक है, तो ये इन्होंने कोर्ट ने इसलिए फटकार लगाई इनको। ठीक है, इसकी जानकारी दी गई याचिका में, यह भी कहा गया कि बोर्ड ने मामले में गठित विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया और मनमाने तरीके से परिणाम जारी कर दिया गया। याचिका में गुहार की गई है कि विवादित प्रश्नों के उत्तर सही जांचे जाए और याचिकाकर्ता को बोनस अंक देते हुए प्रश्न पत्र बनाने वालों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। ठीक है, इसके साथ ही जब तक याचिका पर निर्णय नहीं हो तब तक चयन प्रक्रिया को रोक लगाई जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। यानी कि आपका जो यहाँ पर अब रिजल्ट है हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पर मतलब डिले हो सकता है, आपकी जो डीबी है अभी बोला गया था कि भाई 14 फरवरी से तो फरवरी में आपकी डीबी स्टार्ट होने वाले हैं आपके, तो देखते हैं आगे क्या होता है। कोई भी अगर न्यूज आती है ऑथेंटिक तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, जैसी कोई डीबी की और अगर न्यूज आती है ऑथेंटिक तो भी आपके पास शेयर कर दूंगा आप लोग। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।